मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी आशा शर्मा ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। उन्होंने पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की मौजूदगी में जिला निर्वाचन अधिकारी ऋग्वेद ठाकुर के पास अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय नेता आनंद शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष कुलविंदर सिंह राठौर और पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर भी मौजूद रहे। मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी आशा शर्मा ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। उन्होंने पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की मौजूदगी में जिला निर्वाचन अधिकारी ऋग्वेद ठाकुर के पास अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय नेता आनंद शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष कुलविंदर सिंह राठौर और पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर भी मौजूद रहे। नामांकन भरने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश की चारों सीटों पर जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि आज नामांकन के लिए आए हैं और भविष्य में प्रचार के लिए भी आएंगे। वीरभद्र ने कहा कि ये उनका गृह क्षेत्र है और यहाँ से वे 3 बार सांसद बन चुके हैं। यहीं से उन्होंने केंद्र में मंत्री बनने का मौका मिला। कांग्रेस प्रत्याशी आशा शर्मा ने कहा कि वे अपनी जीत के साथ प्रदेश की चारों सीटों पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों की जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एकजुट है। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही थी वे अब समाप्त हो गई हैं। उन्होंने खुशी जताई है कि वीरभद्र सिंह उन्हें आशीर्वाद देने मंडी आए हैं। उन्होंने कहा कि इस बार प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल होगी।